हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम किसी लेसन पे नहीं हैं। आज जो कुछ भी हम बात करेंगे वो थोड़ा सा बिल्कुल हटके होगा, और जो कुछ भी मैंने महसूस किया, जो कुछ भी देखा, उस चीज़ को आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आपका सपोर्ट चाहता हूँ। क्या सही है, क्या गलत है, इस पूरी वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो शायद आप कुछ डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। आज आप सब लोग एक तरह के जज हैं और आपके सामने ये सारी चीज़ें मैं रख रहा हूँ। सच क्या है, झूठ क्या है, आपका सपोर्ट मुझे ज़रूर चाहिए। आज का जो मैंने ये शीर्षक दिया हुआ है, जो टाइटल दिया हुआ है, वह है प्यार एक एहसास है। प्यार एक एहसास है। माता पिता के आंखों में आंसू आए तो धिक्कार है तुम्हारे जिंदगी पर। यह उसी का कुछ हिस्सा है जो आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। माता पिता के आंखों में आंसू आए तो धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पर, प्यार एक एहसास है। जरा सोचिए, कभी माता पिता ने तुम्हारे दर्द को अपना बना लिया? जरा सोचिए, तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होने दिया, तुम्हारी खुशी और मुस्कुराहट ही उनका मकसद बना। जब जब तुम्हें तकलीफ हुआ, जब जब तुम्हें परेशानी हुई, तुम्हारी हर एक परेशानी को उन्होंने अपना बना लिया। तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दिया, तुम्हें कभी एहसास नहीं होने दिया कि दुख क्या होता है। तुम्हारी चेहरे की मुस्कुराहट ही उनकी जिंदगी बन गई। वो अपने आप को भूलते चले गए तुम्हें खुश रखने के लिए। वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे वह बुढ़ापे में कदम रखे। जिस माता पिता ने तुम्हारे हर एक दर्द को अपना बनाया, आज उनकी आंखों में बेबसी के आंसू हैं। क्यों? जिस माता पिता ने तुम्हें हर एक खुशी दी, हर एक मुस्कुराहट दिया, उनकी आंखों में बेबसी के आंसू हैं। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से, क्या थोड़े पैसे कमाए तुमने? अपने माता पिता को ही भुला दिया? आप इतने बेगैरत कैसे हो सकते हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या थोड़े पैसे कमा लेने के बाद माता पिता को भुला देना चाहिए? आज एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में, शायद इससे ज्यादा होगा, मैं बता नहीं सकता, क्या थोड़े पैसे कमाए तुमने, अपने माता पिता को ही भुला दिया? याद रखना, वक्त एक दिन हिसाब जरूर लेगा, और तुम्हारे ही अंदाज में। आप सबसे गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, प्लीज, अगर सुख नहीं दे सकते तो उन्हें दर्द भी मत दो, अगर उन्हें खुशी नहीं दे सकते तो उन्हें बेबस भी मत करो। मुझे पता नहीं क्यों मैं क्यों बात कर रहा हूं, मालूम नहीं, लेकिन दिल से आवाज आई कि मुझे यह बात अपने स्टूडेंट से, दुनिया के उन तमाम लोगों से जो अपने आप को नेक कहते हैं, दुनिया के उन तमाम बंदों से जो अपने आप को बहुत अच्छा कहते हैं, दुनिया के उन हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं, उन तक यह मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, बंद करो ये सब। जिसने तुम्हें दुनिया दिखाया, जिसने तुम्हें अपना नाम दिया, जिसने तुम्हें सम्मान दिया, जिसने तुम्हें हर एक चीज दिया, अगर आज वह बेबस है, आज वह लाचार है, आज वह दुख है, उसकी आंखों में आंसू है, तो धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पर, लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। शर्म भी शर्मा जाए इस तरह की वाक्या को देखकर।
जब से मैंने इनको देखा है मैं बहुत परेशान रहा। हर माता पिता अपनी औलाद से बेपनाह प्यार करते हैं, उनके प्यार की कीमत कम से कम दर्द तो नहीं होती। क्या बेपनाह प्यार करना गुनाह है? और वो भी आपके माता पिता, योर पेरेंट्स। प्यार की कीमत कम से कम दर्द तो नहीं होना चाहिए, प्यार की कीमत कम से कम तकलीफ तो नहीं होना चाहिए, प्यार की कीमत कम से कम बेबसी और लाचारी तो नहीं होनी चाहिए। अगर उन्हें खुशियां नहीं दे सकते हो तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। यदि उन्हें मुस्कुराहट नहीं दे सकते तो उनके हाल पे छोड़ दो, वो आपसे कुछ नहीं चाहते। माता पिता ऐसे होते हैं, औलाद चाहे कितनी भी बेगैरत क्यों ना हो जाए, औलाद चाहे कितनी भी नालायक क्यों ना हो जाए, हमेशा ऊपर वाले से वह दुआ करते हैं उसकी सलामती के लिए। हम कैसे कीमत चुका रहे हैं? यह पूरी दुनिया प्यार की ताकत से चल रही है, दूसरों की क्या बात करूं, जरा अपनी जिंदगी को ही देखो। क्या प्यार के बगैर जिंदगी की कल्पना की जा सकती है? क्या प्यार के बगैर तुम्हारा जीवन पूरा है? तो जवाब होगा कि नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि प्यार हमेशा जोड़ता है, तोड़ता नहीं। प्यार हमेशा सच के साथ रहता है। प्यार की दौलत एक ऐसी दौलत है, दुनिया की सारी दौलत को एक तरफ रखो और प्यार की दौलत को एक तरफ रखो, प्यार की दौलत हमेशा ऊंचा रहेगा। और नफरत के साथ झूठ और फरेब। प्यार हमेशा जोड़ता है, तोड़ता नहीं। प्यार हमेशा सच के साथ रहता है। अगर प्यार है, सच्चाई है, तो हर एक चीज सच्चाई आपके पास खुद ब खुद चली आएगी। और नफरत के साथ झूठ और फरेब, दोनों ही रास्ते आपके पास है, चलना आपको है। अपनों का प्यार पाना चाहते हो तो खुद से प्यार कीजिए, सच्चाई खुद ब खुद आपके पास आएगी। यदि अपनों से दूर जाना चाहते हो तो नफरत से प्यार कीजिए, झूठ और फरेब व धोखा खुद ब खुद आपके पास चली आएगी। जीवन का आधार प्रेम और करुणा, लव एंड इमोशंस। तूने मेरा साथ दिया तो जिंदगी संवर जाएगी, तूने अगर साथ छोड़ा तो मेरी जिंदगी बिखर जाएगी। हे विदाता, सबको सलामत रखना, यह गुजारिश है मेरी। अपने माता पिता का सदा सम्मान करो, उनसे बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं, ऊपर वाला भी नहीं, खुदा भी नहीं, अल्लाह भी नहीं, ईश्वर भी नहीं, जीसस भी नहीं, कोई भी नहीं। इस दुनिया में सिर्फ एक भगवान है, इस दुनिया में सिर्फ एक भगवान है, वो आपके पेरेंट्स, वो आपके माता पिता। हमने ऊपर वाले को नहीं देखा, हमने माता पिता को देखा है। और माता पिता क्या कहूं, मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। अपने माता पिता का सदा सम्मान करो, उनसे बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं, जी हाँ ऊपर वाला भी नहीं। कोशिश करना कि माता पिता की आंखों में कभी आंसू ना आए, यदि ऐसा हुआ तो धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर, लानत है ऐसी जिंदगी पर जो अपने भगवान को भी। क्या कहूं, लव इज गॉड एंड गॉड इज लाइफ, लव शुड बी नेवर एंड। प्यार ईश्वर है और भगवान जीवन। प्यार कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ आपका एक सपोर्ट मांगता हूं। प्लीज इस मैसेज को किसी भी तरह उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अपने रास्ते से भटक चुके हैं, जो प्यार का मतलब खत्म कर चुके हैं, अपने माता पिता को तकलीफ पहुंचाते हैं और खुद को तकलीफ पहुंचाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, आई एम कम बैक।